हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पोल्ट्री फार्म के लिए दो नया चीज लेके आ गए। एक ये देख सकते हैं दो पैकेट है, इसमें क्या है अभी इसको मैं पोल्ट्री फार्म में लेके चलता हूँ, फिर ओपन करके दिखाऊंगा। ये अकबरपुर से लेके आ रहा हूँ और नीचे एक डिब्बा बंधा हुआ है। तो ये और यहाँ पे एक बोरी लाए हैं, ये है पाइप। तो अभी सीधे पोल्ट्री फार्म में लेके चलते हैं और भी चीज आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं कल। तो अभी इसको ले चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमने पोल्ट्री फार्म खोलते खोलते टेंट की दुकान भी खोल ली। तो यहाँ देख सकते हैं कितना मैट लाके हमने रख लिया है। ये एक डीसीएम मैट है, लगभग 150 पीस है। तो ये अभी कल लाए थे, अकबरपुर से ही लाए हैं। तो पोल्ट्री फार्म खोलते खोलते मैट वेट भी मंगा लिया, मतलब टेंट की दुकान खोल लिया। तो आपको मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, टेंट की दुकान नहीं खोला हमने, ये मैट मंगाया है पोल्ट्री फार्म में ऊपर टीन सेट पर लगाने के लिए, मतलब जो सीमेंटेड चादर लगा है उसके ऊपर डालने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैरा नहीं है जो धान कटने के बाद निकलता वो नहीं है। तो गर्मी से बचाने के लिए हम मैट डालेंगे। तो हमने कल मैट भी मंगा लिया है और ये मैट हमें 18-19 हज़ार का पड़ा है पूरा, 150 पीस है। तो इसमें लेकिन छोटा बड़ा दोनों साइज का, इसलिए थोड़ा सा रेट में इधर उधर है। बाकी आपके एरिया में क्या रेट मिलता है एक मैट का, मतलब 5 फीट चौड़ा रहता है और 30 फीट लंबा, उसका क्या रेट मिलता है, वो भी सेकंड हैंड, मतलब जो बेकार रहता है टेंट हाउस पे, उसका क्या रेट है कमेंट करके बताएगा भाई। मुझे लगता है महंगा मिला है कुछ, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था, एक ही दुकान पे इतना मिल गया इसलिए मैंने वहां से उठवा लिया। तो अभी फटाफट चलते पोल्ट्री फार्म में और आपको बॉक्स में अनबॉक्स करके दिखाते हैं हमने क्या क्या लाया है। तो ये मैट रास्ते में दिख गया इसलिए बोला कि इसको भी आप लोगों को दिखाते चलें। तो अब चलते हैं सीधे अपने पोल्ट्री फार्म पे। तो भाई पोल्ट्री फार्म पे आ गए और जो जो सामान आपको लेके आए हैं वो दिखा दें। तो ये देखो उस दिन जो रस्सी लेके आए थे यही वाली रस्सी है। तो हमें ये 15-12 रुपये पड़ी, जिसमें हुक पतला रहता वो 12 में, बाकी 15 में। और आज जो लेके आए हैं वो खोल के अभी आपको दिखाते हैं क्या लेके आए, क्योंकि हमने सेकेंड हैंड बर्तन खरीदा था आपको पता है। तो इसीलिए भाई हमें रस्सी और ये पाइप अलग से खरीदना पड़ा। तो ये पाइप हमें लगभग 150 रुपये बंडल पड़ा है एक। अब ये कितना लंबा है ये जब लगाएंगे तो किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे, बाकी इतना मोटा है देख सकते हैं, एक हाथ से ऐसे पकड़ सकते हैं। तो ये 150 रुपये बंडल पड़ा है, बाकी ये रस्सी। और एक चीज लाए हैं भाई वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये झोला निकाल। तो भाई एक चीज और लेके आए, ये आपको दिखाते हैं क्या चीज है। तो ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा पावर का हैमर है। तो ये किस काम के लिए आया और इसकी अनबॉक्सिंग भी होगी, वो ग्रीन फार्म वाले चैनल पे आपको अनबॉक्सिंग वीडियो मिलेगी। बाकी ये पोल्ट्री फार्म में क्या काम है इसको उसी वीडियो में बताएंगे। तो ये लेके आए हैं और दो चीज ये लेके आए हैं, दो पैकेट। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको रियर कैमरा से दिखाते हैं। तो भाई देख सकते हैं ये दो पैकेट क्या चीज का है, अभी अनबॉक्स हो रहा है फिर आपको दिखाते हैं। तो ये एक ही पैकेट अनबॉक्स करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही है, एक ही चीज है। तो अभी आपको दिखाता है, और ये सुप्रीम कंपनी का है। तो भाई यहाँ पे है, ये देख लो भाई पल्ली है। तो ये आपको, तो ये है भाई साइड में लगाने वाला पल्ली। तो ये सुप्रीम कंपनी का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई सुप्रीम कंपनी का है, सिल्पाउलिन स्टार, जिसका जैसा कोई नहीं। तो ये है सुप्रीम कंपनी का पॉलिथीन है। तो इसमें मतलब हमें क्या होता है कि साइड साइड में 2.5-2.5 फीट पे ये हमें लगा हुआ मिल जाता है, और पॉलिथीन भी मजबूत होती है, इसको खींचने में फटता नहीं है। तो ये वाली पॉलिथीन हमने मंगाया है पोल्ट्री फार्म में दोनों साइड में लगाने के लिए। तो इसकी चौड़ाई है 10 फीट और लंबाई है 165 करीब, 160-165। तो भाई अभी इसको जब लगाएंगे उसकी अलग वीडियो बनाएंगे, बाकी आपको दिखा दिया। और ये हमें रेट इसका बता दें, हमें रेट है इसका पड़ा है 5500 रुपये का एक बंडल, मतलब एक पैकेट। तो दोनों मिला के 11,000 रुपये का पड़ा है। तो भाई इसको जिस दिन लगाएंगे उसी दिन दिखाएंगे। बाकी हमने पाइप लिया, रस्सी लिया और ये हैमर। तो इसकी अनबॉक्सिंग आपको ग्रीन फार्म वाले चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।